संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करने को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया संसदीय परंपराओं के कत्लेआम का आरोप। कहा, बंगाल में अमित शाह की रैली के लिए कोरोना नहीं तो संसद सत्र के लिए दिल्ली में क्यों। कड़ाके की ठंड के बावजूद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन 24वें दिन भी जारी। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी में फूटे असहमति के स्वर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, रोहतक में दे सकते हैं धरना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, 1,45,000 से ज्यादा की हुई मौत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले, अनियोजित लॉकडाउन की वजह से 21 दिन में जंग नहीं जीत सका भारत, लेकिन लाखों जिंदगियां हो गईं बर्बाद। एसोचैम के स्थापना सप्ताह पर बोले पीएम मोदी, आपने भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया, देश में है आज सकारात्मक माहौल। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से बैठक जारी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और कमलनाथ भी बैठक में मौजूद। नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी शुरू। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में फैक्ट्री की छत गिरी, कम से कम 4 लोगों की हुई मौत, राहत बचाव कार्य जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया सस्ते इलाज को मौलिक अधिकार। कहा, सस्ते इलाज का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी, निजी अस्पतालों की फीस पर लगे कैप। कोविड वैक्सीन लेना व्यक्ति की इच्छा पर, नहीं होगी जबरदस्ती, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावा। भारत में लगेगा विकसित देशों जितना ही कारगर टीका। और एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत की करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए रखा था महज 90 रनों का लक्ष्य। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है।